नमस्कार। टेंथ क्लास में हम बिल्कुल नया टॉपिक आपके सामने पेश कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री ये एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? ट्रिग्नोमेट्री इसके अंदर ये दो पार्ट्स में अपन इसको डिवाइड कर सकते हैं। ये ट्रिग्नो ये आता है फ्रॉम ट्रायंगल। एंड मैट्री मींस दिस इज मेजरमेंट। मतलब ट्रिग्नोमेट्री ये क्या होना चाहिए? मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का मेजरमेंट करना मतलब क्या? इसके लिए सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि ट्रायंगल होता क्या है। तो ट्रायंगल, व्हेन थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दीज आर जॉइंड बाय लाइन सेगमेंट्स। नॉन कोलिनियर मतलब ऐसे पॉइंट्स जो एक ही स्ट्रेट लाइन पे ना हो, उनको अगर हम लाइन सेगमेंट्स से ज्वाइन करेंगे तो जो फिगर ऑब्टेन होता है दैट इज कॉल्ड ट्रायंगल। अब ट्रायंगल को मेजर करना, तो पहले ये देखें कि ट्रायंगल्स के पार्ट्स क्या होते हैं। ट्रायंगल के अंदर 6 पार्ट्स होते हैं, 3 साइड्स और 3 एंगल्स। अब साइड्स तो लाइन सेगमेंट्स हैं, और लाइन सेगमेंट्स को हम मेजर कर सकते हैं स्केल से, स्केल से उनकी लेंथ निकाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट होता है एंगल। अब नाउ द क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज एन एंगल? तो एंगल के लिए एंगल पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब देखिए, एंगल पॉजिटिव और नेगेटिव, एक्चुअली एंगल होता क्या है? एंगल के अंदर अगर ये एक रे है, इफ दिस इज ए रे, इफ इट रोटेट्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर ये ऐसे यहां से रोटेट हुई और इस पोजीशन पे पहुंची, तो ये एंगल फॉर्म्ड, ये इसको बोलेंगे पॉजिटिव एंगल थीटा। अब ये एंगल के लिए थीटा शब्द आपको मालूम होना चाहिए, ग्रीक लेटर है, तो ये थीटा इज यूज्ड फॉर दिस एंगल। अच्छा, नेगेटिव एंगल क्या होगा? इफ दिस रे इज रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन द एंगल फॉर्म्ड विल बी माइनस थीटा। अभी तक आपने एंगल पॉजिटिव एंगल तो पढ़े हुए हैं, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, है ना, लेकिन नेगेटिव एंगल नहीं पढ़ा हुआ है। लेकिन नेगेटिव एंगल भी होता है, और नेगेटिव एंगल कब मिलेगा अपने को? जबकि रे क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर रोटेट होती है, तब हमारे पास में नेगेटिव एंगल आता है। इवन आप यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ोगे, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये नेगेटिव एंगल के लिए क्या होते हैं, ये आप 11th क्लास में पढ़ोगे। हम सबसे पहले तो एंगल पॉजिटिव एंगल मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और नेगेटिव एंगल मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम एंगल, अगर हम ये एंगल निकाल सकें तो हम बहुत सारी चीजें उसमें से कर सकते हैं। अभी ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके अब जैसे देखिए, मानिए एक पहाड़ है, पहाड़ बहुत ऊंचा रहता है और उसकी हाइट निकालनी है,
पहाड़ की हाइट निकालनी हो तो हम पहाड़ की चोटी पे जाके टेप लेके तो अगर हम नापेंगे तो वो तो जो है इस तरह का स्लोप के अंदर लेंथ आएगी। हाइट निकालने के लिए क्या हमको उसमें गड्ढा करना पड़ेगा चोटी में जाके कि बिल्कुल जो है ना ऐसे गड्ढा करें और उसके बाद में उसकी हाइट निकालें। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके हम बिना उसमें गड्ढा खोदे हुए और हम किसी भी चीज की हाइट निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो ये सब चीजें हम पढ़ेंगे ये ट्रिग्नोमेट्री में। अब देखिए, हाइट अगर निकालनी है तो हमको अपना सिर यूं ऊपर करना पड़ेगा, पहाड़ की चोटी को देखना पड़ेगा, या फिर अगर हम मान लो 20 मंजिल ऊपर इमारत में हैं और किसी उसका अगर हमको मान लो हमारी बिल्डिंग की अगर हाइट निकालनी है जिसमें हम हैं, या हमको कार के दो कार दी हुई हैं और उसके बीच का डिस्टेंस निकालना है तो हमको ऐसे नीचे देखना पड़ेगा। तो जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो हॉरिजेंटल के साथ में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे, अगर ये बिल्डिंग है तो जब नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तो दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन, राइट। और अगर हम हाइट पे हैं, अगर हम यहां पे हाइट पे हैं, ठीक है, अब यहां से इस बिल्डिंग से अगर हमने कोई कार को देखा या कोई भी ऑब्जेक्ट को यहां से देखा तो ये हॉरिजेंटल के साथ में जो डिस्टेंस जो एंगल बनेगा, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। और ये जो लाइन है जो यहां से इस पॉइंट को ज्वाइन करती है इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। सो दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। ठीक है, तो दिस इज लाइन ऑफ साइट, दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, राइट। अब हम इसमें आएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस। जब हमने ये रे को इस रे को रोटेट किया, ये एंगल पॉजिटिव एंगल है, सपोज दिस एंगल इज थीटा, ठीक है, तो दिस इज इनिशियल पोजिशन एंड दिस इज फाइनल पोजिशन ऑफ रे। फाइनल पोजिशन के अंदर हम कहीं पे भी कोई सा भी पॉइंट, अगर ये पॉइंट ले लें पी और इस पॉइंट से अगर हम यू परपेंडिकुलर ड्रॉ करें इनिशियल पोजीशन पे, सपोज दिस इज पी एम, और ये अगर पॉइंट ओ है, तो देखिए हमारे पास में एक ट्रायंगल बन गया। अब ये ट्रायंगल, इसके अंदर तीन साइड्स हैं, तीन साइड्स में से कोई सी भी दो साइड्स को लेके हम टोटल कितने रेशियोज बना सकते हैं। हम
टोटल 6 रेशियोज बना सकते हैं इससे। पहला रेशियो हो सकता है, अब देखिए इसके एंगल के सामने वाली जो साइड है और ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। अगर इसको हम शॉर्ट में पी से डिनोट करें, कैपिटल पी से, और ओ एम ये है बेस जो विथ एंगल होती है साइड, इसको बोलते हैं बेस। और जो सबसे बड़ी साइड होती है राइट ट्रायंगल की, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। इसको अगर हम एच से डिनोट करें, अगर इसको एच से डिनोट करें तो देखिए यहां पे हमारे को टोटल कौन कौन से रेशियोज मिल सकते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम पी अपॉन एच ले, एक रेशियो बना, बी अपॉन एच ले दूसरा रेशियो बना, पी अपॉन बी लें तो ये तीसरा रेशियो बना। अब इन रेशियोज को पलट दो, पलट दो मतलब अपने P अपॉन B की जगह अगर B अपॉन P ले लें तो ये चौथा रेशियो बन गया। फिर अपन ने B अपॉन H लिया, उसकी जगह H अपॉन B लें, पांचवा रेशियो बन गया। ऐसे ही P अपॉन H लिया था, उसकी जगह P अपॉन H की जगह H अपॉन P ले लें तो ये छठा रेशियो बन गया। ठीक है, ये छह रेशियोज को अलग अलग नाम दिए हुए हैं एंड दीज आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जहां से ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत होती है। तो हम सबसे पहले ये देखें, पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पी अपॉन एच, इसको बोलते हैं साइन और ये एंगल थीटा है तो साइन थीटा इज इक्वल टू होगा पी अपॉन एच मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर मतलब अपोजिट साइड और अपॉन हाइपोटेन्यूस मींस लॉन्गेस्ट साइड। तो अपोजिट साइड अपॉन लॉन्गेस्ट साइड दिस इज साइन थीटा। लेकिन इसको शॉर्ट में हम पूरा साइन नहीं लिखते, इसको लिखते हैं एस आई एन साइन थीटा। ठीक है, दूसरा रेशियो होता है कोसाइन थीटा, कोसाइन थीटा ये होगा बी अपॉन एच बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। राइट, इसको हम एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस भी बोल सकते हैं। दिस इज इक्वल टू इसको, इसको भी हम शॉर्ट में कोसाइन पूरा लिखने की जगह शॉर्ट में लिखते हैं कॉस थीटा। ठीक है, तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने यहां पे देखा था पी अपॉन बी, इसको बोलते हैं टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा ये होगा पी अपॉन बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और इसको भी शॉर्ट में हम लिखते हैं टेन थीटा, टेन थीटा। चौथा रेशियो अब हम सबको पलटना चालू करते हैं तो P अपॉन B की जगह इसको अगर हम पलट दें तो B अपॉन P हो जाएगा और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहलाएगा कोटेंजेंट, कोटेंजेंट थीटा एंड दिस इज B अपॉन P।
और इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं कॉट थीटा। पूरा कोटेंजेंट लिखने की जगह हम लिखते हैं कॉट थीटा, ठीक है। फिर पांचवा, अब हम इसकी जगह इसको पलट दें तो ये बी अपॉन एच की जगह हो जाएगा एच अपॉन बी, और इसको बोलते हैं सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा। ये होगा एच अपॉन बी, एच अपॉन बी, और इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं सेक थीटा, सेक थीटा, ठीक है। फिर छठा, ये इसका रिवर्स कर दो तो ये P अपॉन H है, नाउ दिस विल बिकम H अपॉन P, और H अपॉन P इसको बोलेंगे कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा। तो कोसिकेंट थीटा क्या होगा, दिस विल बी H अपॉन P, H अपॉन P, ठीक है। और इसको शॉर्ट में लिखेंगे कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है। तो ये छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास में आए, और हमने ये देखा ये कोसिकेंट ये साइन का उल्टा है, रिवर्स किया हुआ है। तो ये कोसेक थीटा एक्चुअली क्या होगा, वन अपॉन साइन थीटा। ऐसे ही सेक थीटा ये किसका रिवर्स है, ये कॉस थीटा का उल्टा है, तो दिस कैन बी रिटन एज वन अपॉन कॉस थीटा। देन कॉट थीटा, इसमें P अपॉन B को उल्टा किया था, सो दिस इज वन अपॉन टेन थीटा। अच्छा ऐसे ही हम ये देखें तो टेन थीटा ये वन अपॉन कॉट थीटा है, कॉट थीटा का उल्टा है, मीन्स दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज वन अपॉन कॉट थीटा, दिस कैन बी रिटन एज वन अपॉन सेक थीटा, एंड दिस कैन बी रिटन एज वन अपॉन कोसेक थीटा। तो इनको भी इसका पलट के और उल्टा लिख सकते हैं, मीन दिस इज वन अपॉन कॉट थीटा, दिस इज वन अपॉन सेक थीटा, एंड दिस इज वन अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है। तो ये छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, और ये एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत है। और अगर हमको दो साइड्स मालूम हो, देखिए आप सब ने छठी क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं एक थ्योरम, बहुत फेमस थ्योरम है, और वो थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम, है ना। पाइथागोरस थ्योरम आप सभी को मालूम है, ये राइट एंगल के ऊपर बेस्ड है। और पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से अगर ये राइट ट्रायंगल है तो इसमें एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये होता है। इसका मतलब अगर हमारे पास में कोई सी भी दो साइड्स दी हुई हो राइट ट्रायंगल में, तो हम तीसरी साइड निकाल सकते हैं, और अगर हमने तीसरी साइड निकाल ली तो हम इनमें से कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं, वी कैन फाइंड इट, है ना। तो क्वेश्चंस जो आपके उसमें जनरेट होंगे, सबसे पहले
कि कोई सी भी दो साइड्स दी हुई हो और हमको तीसरी साइड निकालनी हो। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो इसके ऊपर बेस्ड आते हैं, तो उनको हम करके देखें। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने देख लिए। अब देखिए ये क्वेश्चन इस तरह के, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी। तो ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, तो लेट अस ड्रॉ दिस ट्रायंगल। अगर हम ट्रायंगल बनाएं, ये ट्रायंगल, ये राइट ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल बी ये दिया हुआ है और हमको ये ए बी और सी ये दिया हुआ है, है ना। यहां पे ए बी 24 सेंटीमीटर दिया है, ए बी 24 सेंटीमीटर दिया है और बी सी, ये बी सी ये 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। वी हैव टू डिटरमाइन, अब देखिए हमको साइन ए कॉस ए निकालना है सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के अंदर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर हमारे पास दो साइड्स हैं तो हम तीसरी साइड निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट बाय पाइथागोरस थ्योरम, Pythagoras theorem, यहां पे AC square, मतलब HAC square is equal to AB square plus BC square, BC square means H square is equal to this is b square plus p square, है ना? So h square will be equal to b. b कितना दिया हुआ है? 24 का square, right? Plus bc square मतलब 7 का square. So this will be equal to, now 24, it's a square. तो आप 24 को 24 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। 4 into 4, 16, 1 बचा, तो 4 into 2, this is 8, 8 and 1, 9. Then 2 into 4, this is 8, and 2 into 2, this is 4. So this will be 6, then here 7 and 1 bacha 5. So 576, this is 576 and plus 7 square is 49. So this will be equal to 9 plus 6, this is 15, 1, 7 plus 4, 11, 11 plus 1 means 12, and then 6. So h square means hypotenuse square is equal to 625, or 625 ko hum likh sakte hain 25 ka square. तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर, सो एच विल बी इक्वल टू 25, राइट। इसका मतलब ये ए सी हो गया 25, जहां हमको तीनों साइड्स आ गई। अब तीनों साइड्स आ गई
तो देखिए सबसे पहले साइन ए, हम यहां पे देखेंगे एंगल ए, ये वाला। इस एंगल के लिए सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, है ना। तो वी विल राइट फॉर एंगल ए परपेंडिकुलर इज पी इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर होगा इसके सामने वाली साइड 7, है ना, और बेस हो जाएगी ये ए बी मतलब 24, और हाइपोटेन्यूस एच इज इक्वल टू 25। दिस इज फॉर एंगल ए, देयरफॉर साइन ए, देयरफॉर साइन ए विल बी इक्वल टू, साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, सो दिस इज परपेंडिकुलर इज 7 अपॉन हाइपोटेन्यूस इज 25। देन कॉस ए, कॉस ए दिस विल बी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, मीन्स दिस विल बी, यहां पे बेस है 24 और अपॉन 25, तो ये दोनों निकल गए। अब हम देखें यहां पे सेकंड पार्ट के लिए, सेकंड पार्ट के लिए नाउ सी साइन सी और कॉस सी, मतलब हमको एंगल सी के लिए निकालना है। अब तो फॉर एंगल सी, एंगल सी परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर इसके सामने वाली साइड होगी, तो ये सी इसके सामने वाली साइड मतलब 24, परपेंडिकुलर इज 24, बेस हो जाएगा एडजेसेंट साइड मतलब इसके साथ वाली साइड 7 सेंटीमीटर 7, एंड हाइपोटेन्यूस इज 25। ये सब चीजें हैं। अब हम निकालें साइन सी, सो साइन सी विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये आपको याद होना चाहिए। परपेंडिकुलर यहां पे है 24 एंड हाइपोटेन्यूस इज 25। दूसरा कॉस सी, तो कॉस ऑफ सी विल बी इक्वल टू, ये होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, मींस हियर बेस इज, बेस है यहां पे 7 और हाइपोटेन्यूस है 25, सो 7 अपॉन 25, दिस इज कॉस सी। तो इस तरह से अगर कोई सी भी दो साइड्स दी हुई हो तो पाइथागोरस थ्योरम से हम तीसरी साइड निकालेंगे, और तीसरी साइड निकालने के बाद में हम कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक, यहां तो सिर्फ साइन और कॉस पूछा हुआ है, हम टेन भी निकाल सकते हैं क्योंकि पी अपॉन भी होगा, कॉट निकाल सकते हैं, सेक निकाल सकते हैं, कोसेक निकाल सकते हैं, कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम निकाल सकते हैं। तो ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की शुरुआत, और दो साइड्स दी हो तो हम कोई सी भी तीसरी साइड निकाल के कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। सो नेक्स्ट टाइम वी विल सी सम मोर एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन दिस। थैंक यू।